को आप देख रहे हैं आधार के बेसिक क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आयरन का हम ऑक्सीडेशन नंबर देखने वाले हैं, प्लस टू प्लस थ्री होता है करके अभी तक हमने निकाले हैं, आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि प्लस टू होता है कि प्लस थ्री होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। याद रखिएगा क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, हम आयरन का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। याद रखिएगा एक में हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, इसमें याद रखिएगा ये हमारा प्लस थ्री का रहेगा, प्लस थ्री रहेगा, और इसमें एक्वस सॉल्यूशन किसका रहेगा, तो प्लस टू का रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, मैक्सिमम क्या शो करता है, मोस्टली प्लस टू प्लस थ्री करता है, वो माइनर रहता है जब क्या करता है प्लस थ्री प्लस वन शो करता है, मोस्टली क्या करता है प्लस टू प्लस थ्री, राइट। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक और सोल्यूशन किसका किसका लिए हैं, दो टेस्ट ट्यूब में हम अलग अलग, एक में प्लस टू का एक और सोल्यूशन, दूसरे में हम प्लस थ्री का एक और सोल्यूशन लिए हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से थायोसाइनाइट, याद रखिएगा थायोसाइनाइट का फार्मूला क्या होता है, HCN होता है इसका फार्मूला। थायोसाइनाइट को हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें डालते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं किसको, थायोसाइनाइड को, तो क्या होता है, प्लस टू वाले में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा प्लस टू वाले में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, नो कलर, नो कलर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें इंजेक्ट करते हैं थायोसाइनाइड को, हम अगर इसमें डालते हैं प्लस थ्री वाले में, तो रेड कलर का क्या आता है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें जो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कलर में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कलर रेड ब्लड कलर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये क्या है, आइडेंटिफाई करता है कि जब थायोसाइनाइड को क्लियर क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हम प्लस थ्री के साथ, तो क्या देता है हमको, ये देता है रेड ब्लड कलर, इसे साबित होता है कि इसमें प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट। अब इसमें देखते हैं तो सल्फर क्या है, हमारा सल्फर एकदम सॉफ्ट रहता है, जबकि आयरन क्या रहता है, हार्ड रहता है। जो बनने वाला बॉन्ड है कैसा बॉन्ड दिख रहा है हमको, हार्ड और सॉफ्ट बॉन्ड दिख रहा है, ये सल्फर सॉफ्ट हो जाएगा हाइट और आयरन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें केमिकल रिएक्शन बना के देखते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शन के साथ क्या किया है, अटैच किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, आयरन लेते हैं, राइट। आयरन और एक्वा सॉल्यूशन बोले हैं, H2O6 और क्या हो जाएगा प्लस थ्री, किसके साथ हम करा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको देखते रहिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा जिसका कलर क्या है, ये पूरा कंपाउंड का कलर क्या हो जाएगा, हमारा रेड कलर। ठीक, ये हमारा क्या होता है, शो होता है। हमने सबसे पहले क्या किए हैं, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, दो टेस्ट ट्यूब में क्या किए हैं, दोनों में अलग अलग हम आयरन का एक और सॉल्यूशन लिए हैं, एक में प्लस टू का लिए हैं, एक में प्लस थ्री का लिए हैं। ठीक है, प्लस टू वाले में अगर हम थायोसाइनाइड डालते हैं तो उसमें कोई कलर नहीं आता है, उस सॉल्यूशन में हमारा कोई कलर नहीं आता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस टू में नहीं क्रिया करता है। ठीक है, आयरन के दूसरा ऑक्सीडेशन में कोई रिएक्शन नहीं होता, नो कलर आता है, इसीलिए जब उसी हम थायोसाइनाइड को प्लस थ्री में डालते हैं तो उसमें तुरंत रेड ब्लड कलर आता है। ठीक है, उसका रेड ब्लड कलर ही हमको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि इसमें प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर है। अब उसमें जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कैसा रहेगा, हमारे पास सल्फर क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, और हमारे पास जो आयरन रहता है वो क्या रहता है, वो हार्ड रहता है। याद रखिएगा आयरन क्या रहता है, हार्ड रहता है, तो इसलिए जो बनेगा बॉन्ड वो क्या रहेगा, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, ये हार्ड एंड सॉफ्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बॉन्ड का प्रकार हो जाएगा। अगर मैं केमिकल रिएक्शन देखता हूँ आयरन और एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हो गया हमारा, हम क्या लिए एक्चुअल में, आयरन का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं प्लस थ्री, और किसके साथ हम इंजेक्ट किए हैं, तो रिएक्शन किसके साथ कराए हैं, थायोसाइनाइड के साथ, और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इस पूरा प्रोसेस में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, Fe, और ये क्या हो जाएगा, पाँच भाग क्या है, वाटर का, और थायोसाइनाइड प्लस वाटर का एक भाग रिलीज हो गया, जो कंपाउंड बना इसी का हमारा कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और जिसका कलर नहीं बना उसका देखते हैं,
ये सेम तो क्या हो जाएगा, नो कलर, मतलब नो रिएक्शन भी बोल सकते हो और नो कलर भी बोल सकते हो, राइट। मैं जब ये प्रोडक्ट का रिएक्शन करा रहा हूँ, यहाँ पे 3- लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका नो कलर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कलर और नॉन कलर का। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जो रेड ब्लड कलर आया है उसमें हम H2 Ag2 को देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं, मरकरी +2 उसमें डालते हैं, राइट। जो रेड ब्लड कलर आया है उसमें अगर हम मरकरी का क्या डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं Hg+। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, अतः ये रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन में कलर क्या हो रहा है, किसके वजह से आ रहा है, तो लिगेन और मेटल, याद रखिएगा, लिगेन और मेटल का चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, इसमें कलर आ रहा है। इसको आपको याद रखना है, जो कलर आ रहा है लिगेन और मेटल के चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा इस जो रेड ब्लड कलर आया है हमारा सॉल्यूशन, उसमें हम क्या डालते हैं, मरकरी डालते हैं, याद रखिएगा, हम आप क्या डाल रहे हैं इसमें, मरकरी Ag2+ डालते हैं। ये सॉल्यूशन जो हमने क्या किए हैं, तैयार किए हैं, सबसे पहले इसमें हमने क्या डाले हैं, आयरन +3 का एक्वा सॉल्यूशन और थायोसाइनेट डाले हैं, तो दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया, मतलब आयरन का कंसेंट्रेशन इसमें हाई है, मेटल लिगेंड का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, रेड कलर आया है। अगर इस सॉल्यूशन में अगर मैं क्या डालता हूँ, मरकरी डालता हूँ, याद रखिए, इस सॉल्यूशन में अगर मैं मरकरी डालता हूं तो क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, फिर से कलरलेस, याद रखिएगा, ये क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले रेड था, अब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया। क्या डाले हैं, तो हमने क्या डाल दिया इसमें, मरकरी डाल दिया, मतलब इसका रिएक्शन हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2Fe और थायोसाइनाइड 2+, और इसमें क्या हो जाएगा, 3Ag, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है, यहाँ तक हमको क्या मिल रहा था, रेड कलर मिल रहा था, याद रखिएगा, इसमें रेड कलर मिल रहा था। जैसे ही हम क्या किए हैं, मरकरी को इंजेक्ट कराए हैं, याद रखिएगा, जैसे ही हम मरकरी को इसमें इंजेक्ट कराए हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर दिया है, आयरन को अलग कर दिया है, और हमारा जो बना है मरकरी के साथ जो क्या कर लिया, चला गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब हम क्या कराए थे, कलर आया था, तो जब साइनाइड क्या किया था, साइनाइड किसके साथ जुड़ा था, तो साइनाइड जुड़ा था हमारे आयरन के साथ जुड़ गया था, लेकिन जब उसमें हम मरकरी का रिएक्शन कराए हैं तो किसके साथ जुड़ गया, मरकरी के साथ जुड़ गया। इसका रीजन क्या है, रीजन के बताते हैं, तो देखो, सबसे पहले हमने बताया था आयरन हार्ड होता है, सल्फर सॉफ्ट होता है, बट इसमें क्या होता है, मरकरी भी सॉफ्ट होता है, मरकरी सॉफ्ट होता है, सल्फर सॉफ्ट होता है, याद रखिए, जब हमारा ऑलरेडी हार्ड सॉफ्ट बना है, लेकिन अगर सॉफ्ट सॉफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, मोर फेवरेबल हो जाएगा, और यदि हार्ड हार्ड है तो वो भी क्या हो जाएगा, मोर फेवरेबल हो जाएगा, मतलब बॉन्ड बनाने में आपस में, अगर कहीं सॉफ्ट मिल गया तो क्या करेगा, वो सॉफ्ट और सॉफ्ट के साथ क्या करेगा, जाके बॉन्ड बनाएगा, अगर कहीं हार्ड है तो हार्ड हार्ड के साथ क्या करेगा, वो जाके बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण क्या होता है, मर्क्यूरी मरकरी के साथ क्या होता है, थायोसाइनाइड जाके बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर से कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक प्रोसीजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी सॉफ्ट सॉफ्ट का फेवरेबल होता है कि नहीं होता है, और जो रेड कलर आया उससे हम ये प्रिडक्ट कर सकते हैं कि उसमें +3 क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ये तो सॉफ्ट सॉफ्ट का हो गया। अगर मैं फिर से इसमें देखते हैं कि आयरन, हम फ्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं जो कि क्या है, हार्ड है, अगर आयरन के प्रेजेंस, आयरन के साथ, तो क्या होता है, हमारा हार्ड हार्ड बॉन्ड बनेगा, ये देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारा रेड ब्लड कलर आया है उस चीज में मैं क्या करा रहा हूँ, फ्लोराइड, जो कि क्या है, हमारा ये हार्ड है, हार्ड में क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, Fe F6 क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, मतलब यहाँ पे देखिएगा, फ्लोराइड भी हार्ड, आयरन भी हार्ड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थायोसाइनाइड सॉफ्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में भी हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, याद रखिएगा, उस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा, क्योंकि इस बार जो बॉन्ड बन रहा है हमारा क्या हो जाएगा, ये हार्ड हार्ड का बन रहा है, और ये मरकरी और जो हमारा थायोसाइनाइड है ये क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, दोनों कंडीशन में हमारा कलरलेस रहेगा, कलर
कब आएगा? जब हम आयरन प्लस थ्री का और थायोसाइनाइड का कराएंगे तो हार्ड एंड सॉफ्ट का बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से हमको रेड कलर आएगा। लेकिन जब हम उसमें क्या कराते हैं, मरकरी इंजेक्ट करा देते हैं, उसके वजह से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। जो कि बॉन्ड का देखते हैं तो वो सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हो जाएगा उधर मरकरी और उसका। और उसमें हम फ्लोराइड का कराते हैं तो फ्लोराइड में भी क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या बनता है, हार्ड एंड हार्ड जो बॉन्ड बनता है ये रहता है। ठीक है, अब हो गया। एक छोटा सा और देख लेते हैं, निकिल का, निकिल टेस्ट देख लेते हैं। अगर कोई आपको बोल दिया जाए कि निकिल टेस्ट करके बताइए, तो निकिल का जनरली कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, याद रखिएगा।